राम मंदिर बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के कारसेवकपुरम में अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा। इस समारोह में राम मंदिर मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जुड़े अधिवक्ताओं और कानूनविदों को सम्मानित किया गया। इसमें सबसे खास रहे सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले 92 साल के पारासरन, जिनका पूरा परिवार अयोध्या पहुंचा और राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद कारसेवकपुरम जाकर विश्व हिंदू परिषद के स्वागत समारोह में शामिल भी हुए। प्रभु की नियति निश्चित थी, किसने क्या भूमिका निभानी है यह निश्चित था। इतने सारे वकीलों को चुनने के लिए हमारे योगेश्वरम भटकते रहे, लेकिन राम लल्ला ने श्री पराशरन जी को चुना, ये भी उन्हीं की योजना। और मैं हमेशा अनुभव करती हूँ कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है और ये कार्य संपन्न हुआ। इतना रोमांच, इतना आनंद जीवन में मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं किया और सबको ये अनुभव हो रहा है। महाराज श्री 90 का बलिदान हो या 30-70 बार किए गए बलिदान हो, लेकिन 9 नवंबर को ये जो निर्णय आया उसने हम सबके हृदयों से अपराध बोध का पत्थर हटा दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों का पूरा ध्यान इन्हीं के ऊपर रहा। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा, सी वैद्यनाथन, रंजीत कुमार, यूपी के अपर महाधिवक्ता मदन मोहन पांडे और साध्वी रितंबरा समेत सुप्रीम कोर्ट के कई कानूनविद प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली साध्वी रितंबरा ने के पारासरन समेत प्रमुख कानूनविदों को तिलक लगाकर स्वागत किया और इसके बाद अपने संबोधन के दौरान वह भावुक भी हो गई और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वाले कारसेवकों को याद किया। क्योंकि ऐसा लगता था कि गली गली गांव गांव घूम घूम के तरुणों को बुलाते रहे, वो आए, वो सारे भारत से आए, खाली हाथ नहीं आए, अपने बैग में अपना कफन लेकर आए और कहा राम लल्ला तुम्हें हम किसी डाल से तोड़ के पुष्प चढ़ाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे चरणों में अपना जीवन पुष्प अर्पित करने आए। उनका बलिदान व्यर्थ कैसे जाता। निश्चित रूप से आज जो मिला है वो अनिर्वचनीय है, उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बस इसे अनुभव किया जा सकता है। बहुत सुंदर भाव चला सारे भारत में कि मूक हूँ, चुप हूँ, बोला नहीं जा रहा, अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, आह्लादित हूँ, शरणागत हूँ और राममय हूँ, बस यही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। साध्वी रितंबरा ने कहा, इससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं हो सकता। अगर यह फैसला नहीं आता तो हम आजीवन अपराध बोध से ग्रस्त होते, क्योंकि हमारे बुलावे पर राम मंदिर आंदोलन में देश भर से युवा अपने झोले में अपना कफन लेकर अयोध्या आते थे। आज उन तमाम लोगों को संतुष्टि मिली होगी जो अयोध्या मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए, उनकी आत्मा भी तृप्त होगी। ये बेहद खुशी के क्षण है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।